हाय दोस्तों, कैसे आप सब? एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विनियर के टाइप ऑफ मैच के बारे में कि विनियर, जैसे कि आपको पता है कि बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स में आता है और विनियर के ऊपर ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ बना रखी हैं और उसमें बता रखा है कि डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स जो आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, डिफरेंट टाइप के कट्स के बारे में। तो वो अगर वीडियोस आपने नहीं देखी है तो उनके जो लिंक्स हैं वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, तो आप पहले उनको देख सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। तो आते हैं आज के टॉपिक पे कि डिफरेंट टाइप के जो मैचेस होते हैं उसकी क्या ज़रूरत पड़ती है और कितने डिफरेंट टाइप के मैचेस होते हैं और उसका जो आउटकम है वो किस तरीके से निकल के आता है, किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले टाइप के मैच के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है बुक मैच। और जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जिस तरीके से आपकी बुक होती है उसी तरीके से जो विनियर है उसके मैच को बनाया जाता है। जैसे बुक होती है, सिमिलर अगर हम बात करें, जैसे एक पैटर्न है उसका अगर हम सामने मिरर रख देते हैं तो उसका जो डिज़ाइन मिरर में दिखेगा वही पैटर्न जो है डायरेक्टली कंटिन्यूसली फॉलो किया जाता है। तो इसको सिमिलर ये भी कह सकते हैं कि आपका जो पैटर्न है उसका मिरर इमेज जो होती है उसी टाइप से जो है आपके जो पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है। तो इस तरीके से जो मैचेस मिलाए जाते हैं उसको हम बुक मैच की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। और इसमें क्या है कि आपका सिमेट्रिकल पैटर्न जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, एक सिमेट्री जो है आपको दिखेगी। अब दोस्तों, हम बात करते हैं सेकंड टाइप के मैचिंग मेथड के बारे में जिसका नाम है स्लिप मैच मेथड। तो दोस्तों, इस मैचिंग मेथड में क्या होता है, जो आपका विनियर होता है उसको एक सीक्वेंस में मिलाया जाता है, मतलब एक जो डिज़ाइन जो बना है तो वही डिज़ाइन उसके साथ, फिर सेम डिज़ाइन उसके साथ, तो इस तरीके से एक सीक्वेंस में आपके जो डिज़ाइन है उसके मैचेस को मिलाया जाता है और उसमें कोई भी तरीके का आपको चेंज जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। और इसका जो बेनिफिट है वो आपको तब मिलता है जब आपको जॉइंट्स छुपाने होते हैं। तो अगर आप इस पैटर्न का यूज करते हैं, इस मैच का यूज करते हैं, तो उसमें जो आपके जॉइंट है वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से हाइड हो जाते हैं। और जो आपका स्लिप मैच विनियर होता है इसका जो ज्यादातर यूज है वो आपका क्वार्टर कट मेथड के अंदर यूज़ किया जाता है या फिर आपका रिफ्ट स्लाइड विनियर के अंदर यूज़ किया जाता है। तो इन डिफरेंट टाइप के कटिंग मेथड्स के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसका ऑलरेडी मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब दोस्तों, बात करते हैं थर्ड टाइप के मैच के बारे में जिसका नाम है रिवर्स स्लिप मैच। तो इसमें क्या है कि जो इस टाइप के जो विनियर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्लिप जो मेथड होता है आपका, स्लिप मैच होता है, उसमें पर्टिकुलरली ग्रेन्स को एक पैटर्न में लगाया जाता है। तो इसमें जैसे कि रिवर्स, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, तो इसमें क्या है कि एक पैटर्न आपका स्ट्रेट रहता है, फिर जस्ट उसे उल्टा करके उसके साथ लगाया जाता है, फिर रिवर्स कर दिया जाता है, फिर रिवर्स कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो एक प्रॉपर एक पूरा सीक्वेंस बनता है तो उसका जो पैटर्न निकल के आता है उसको हम, जो मैच निकल के आता है उसको रिवर्स मैच ऑफ विनियर यानी रिवर्स मैच विनियर कहा जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं फोर्थ टाइप के मैच के बारे में, तो इसका नाम है रनिंग मैच। तो रनिंग मैच विनियर में क्या होता है कि आपके जो पैटर्न्स हैं वो आपके अनइवन रहते हैं, तो उसको जो है एक सीक्वेंस में उसको एक मिला करके एक मैच क्रिएट किया जाता है। तो ये जो मैच है बेसिकली आपका सिमेट्रिकल बिल्कुल नहीं होता, इसको हम अनसिमेट्रिकल कहते हैं। तो इसमें क्या है कि आपकी कुछ ज़्यादा रहती है पैटर्न्स की जो लेंथ रहती है, जो डिज़ाइंस रहते हैं, और कुछ कम रहती है। फिर इसी में हम नेक्स्ट मैच के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है रैंडम मैच। तो रैंडम मैच विनियर में क्या होता है, कोई भी आपके रैंडम विनियर्स को पिक किया जाता है और उसको जो है मिला करके मैच क्रिएट किया जाता है। तो इसमें क्या है कि कोई भी आपको पैटर्न नहीं मिलने वाला और ग्रेन्स का पैटर्न नहीं मिलने वाला। तो इसमें क्या है कि सिमिलर एक आपका हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। और यूजली अगर बात करी जाए तो इसको एक मैच की कैटेगरी में डाल दिया, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि जो भी आपके डिफरेंट टाइप के पैटर्न बसते हैं तो उसको, जो भी आपकी एंडिंग हुई तो उसको मिलाकर के भी जो है इस तरीके के पैटर्न बनाए जा सकते हैं। तो यूजली ये इस टाइप के जो पैटर्न है वो आपको सस्ते मिलेंगे और इसका जो यूज़ आप बेसिकली डिफरेंट टाइप के जो फर्नीचर्स हैं उसके ऊपर आप इसका यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आज की वीडियो में आपको विनियर के कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मैचेस होते हैं उसके बारे में जो आज की वीडियो में आपको बता दिए, और भी इसके अलावा बहुत ही डिफरेंट टाइप के मैचेस होते हैं, तो वो जो सारे जो टाइप्स हैं आपके विनियर के जो मैचेस हैं उसको इस वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने आपको मेन बता दिया। तो आज के लिए बस इतने, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर सकते हैं, और आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।